सप्ताह हमारा प्रोडक्ट ऑफ द वीक है न्यूटी चार्ज डीएचए। न्यूटी चार्ज डीएचए कमाल का प्रोडक्ट है, जबरदस्त प्रोडक्ट है। बहुत सारे साथियों ने उससे बहुत सारे लाभ लिए हैं, बहुत सारे साथियों ने लाभ लिए हैं। यदि कोई साथी हमारे बीच में है न्यूटी चार्ज डीएचए से उसे कुछ स्पेशल लाभ हुआ हो तो हमें बताएं। न्यूट्रीचार्ज डीएचए से सर बहुत बड़ा अंतर हुआ सर। बीपी की समस्या मैंने बहुत से पेशेंटों को ठीक करी है सर, और खुद की ठीक करी है गुरुदेव। बीपी कई बार अप रहता था, कई बार डाउन रहता था, उससे ठीक हुआ सर, क्योंकि वो दिमाग की नसों पर काम करता है गुरुदेव। अगर अच्छा नसों में कोई भी प्रॉब्लम हो सर तो डीएचए लेना चाहिए सर। डीएचए प्रेगनेंट महिला के लिए काम आता है और पूरी नसों में काम करता है गुरुदेव। अगर चाहते दिमाग भरपूर काम करे तो प्लीज डीएचए ले गुरुदेव सभी लोग। आरसीएम सर, जय आरसीएम। सर मेरी आंखों की जो प्रॉब्लम थी, मैं व्यू के साथ डीएचए यूज कर रहा हूँ 2 महीने से, मुझे काफी फायदा सर, बहुत अच्छा है सर। अच्छा, न्यूटी चार्ज व्यू के साथ व्यू के न्यूटी चार्ज डीएचए आप डीएचए, इस्तेमाल कर रहे हैं और आंखों को आपको फायदा महसूस हो रहा है। यस सर, यस सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत नमस्ते। सर मेरा नाम पूनम है, फरीदाबाद से हूँ। 2 साल पहले सर मेरे ना गले में गांठे हो गई थी कुछ, तो धीरे धीरे मेरी ना आवाज चली गई थी बिल्कुल। तो जब मैंने टेस्ट कराए गले का, तो गले वाली डॉक्टर ने बोला था कि मैडम आपको ना बोलना बंद करना पड़ेगा वरना आपकी आवाज बिल्कुल चली जाएगी अच्छा जी। तो सर मैं न्यूट्रिशन वैसे पहले से इस्तेमाल कर रही थी, फिर मुझे सर ने बताया, रघुराज सर ने मुझे बताया था कि बहन जी आप ना ये डीएचए शुरू करें अपना। तो गामा के साथ मैंने जब डीएचए लिया था सर, 6 महीने के अंदर अंदर मेरी गांठ ना कंप्लीट ठीक हो गई थी। 3 महीने में तो बहुत फर्क पड़ा था, लेकिन 6 महीने रेगुलर लेने के बाद बिल्कुल ही ठीक हो गई थी। और क्योंकि मेरा तो काम ही बोलने का है, तो अब जी, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। उसके ईश्वर बाद की मुझे कभी कोई मेहरबानी दिक्कत नहीं हुई। जी। और एक पेशेंट का सर पाली फरीदाबाद से है, उसको ना थायराइड की गांठ बन गई थी गले में, अच्छा जी, तो वो ना ऑपरेट कराने के लिए जा रहे थे। अचानक से मैं तब वो मुझे मिले तो बोला उन्होंने कि बहन जी ऐसे ऐसे हम ऑपरेशन कराएंगे अगले हफ्ते। तो उनका मैंने गामा के साथ डीएचए शुरू किया, और तो अभी उनको भी 4-5 महीने हो गए, उनका ना ऑपरेशन भी टल गया है। अभी वो उनको कोई गांठ नहीं है, उनका थायराइड बिल्कुल नॉर्मल है बहुत बढ़िया जी, ईश्वर की मेहरबानी है जी जी। सर। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। मैं बाबा बना तो मैंने अपनी पुत्र वधू को लगभग 2 महीना तो दिया सुबह सुबह, और जब मैं ट्रेनिंग मुझे तो मुझे पता लगा कि सुबह शाम भी देना है, तो फिर मैंने जब तक डिलीवरी हुई तब सुबह शाम दिया। न्यूट्रीचार्ज बोन को भी डबल कर दिया, तो कुदरत की देन थी कि लगभग 4.25 किलो का कलाकार। क्योंकि डर ये था कि जब मैं नाना बना था, बेटी का ऑपरेशन से बेटा पैदा हुआ था, अच्छा तो जी, वो कंजूस परिवार है, इन चीजों के बारे में बता पाए ना, वो एडोप्ट कर पाए, तो डर लगता है कि कहीं हमारे साथ ये ना हो जाए। तो शानदार डिलीवरी हुई और नॉर्मल डिलीवरी हुई, गर्भवती महिलाओं के लिए रामबाण है, क्योंकि बच्चे का बेनिफिट से तो होता है 70% तक माँ के गर्भ में। तो मुझे बहुत आराम मिला। आज मेरा लगभग 7 जनवरी को 2 साल का हो जाए वो कलाकार, वो एक्चुअल में हमारा ही बाबा है उनका। अच्छा बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। चलिए, खुश रहिए, खेलते रहिए, और उसको न्यूटी चार्ज बॉय बनाना है सर। थैंक यू। मेरी माँ को पैरालिसिस हुआ, अटैक पड़ा था, अच्छा जी, तो मैंने 3 दिन, डॉक्टर अपने आगरा में विकास बंसल, 3 दिन जांच होती रही, उन्होंने कोई दवाई नहीं दी। उसके बाद हम बोले कि पुष्पांजलि में एडमिट करा दो, एक दिन का 20,000 का कम से कम खर्चा आएगा। अच्छा तो हम जिसमें, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा तो था नहीं, फिर हम ऑटोमेटिक कटारा जी के पास गए थी, उसी पे सामान लेने का था। ऐसी वहां चर्चा चली, तो हमने चर्चा चली तो सर ने, अंकुर सर, और हमने थोड़ा गैर से बुद्ध दिया, कैसे कहता है, मंथन किया कि सर क्या दें क्या नहीं दें। तो एक ही निष्कर्ष निकला कि जो दवा की हुआ था डीएचए दिया मैंने, और सर बेजुमेगा लगातार दिया, मेरी माँ सही है, 95% सही है, क्योंकि उसका बेहतरीन रिजल्ट है। मैं कहता हूँ डीएचए नहीं, ये मेरी आज माँ है, तो मैं लोगों को बताता हूँ, मैं देता भी हूँ, तो उससे आज मेरी माँ बहुत स्वस्थ है, ना किसी पर आश्रित, अपने आप नहाती है, लेटरिंग जाती है, सब खाना भी खाती है। एक उम्मीद ऐसी लगी कि मेरी माँ कुछ ही दिनों की है। मैंने अपने गुरुदेव सर से भी सलाह ली, उन्होंने कि बिल्कुल सर सही है, साथ में गामा और दो। मेरा नाम विशाल जाधव है और मैं
पहासू खुर्जा के पास मेरा गांव रामबास है, वहां से मैं बिलोंग करता हूँ सर, और मेरी अपलायन डॉक्टर संजीव जी हैं पहासू से। सर प्रैक्टिकली मेरी मम्मी जी का एक्सीडेंट हो गया था, जी तो मेरी मम्मी जी के बहुत चोट लगी थी सर में, और वो कैलाश हॉस्पिटल में 4 से 5 दिन आईसीयू में एडमिट रही थी। तो जब वहां से एडमिट होके जब आईसीयू से आई घर पर वापस, तो नहीं मैंने बताया। अपनी अपलायन से पूछा कि मुझे जो है क्या देना चाहिए मम्मी जी को। तो डॉक्टर संजीव जी जो है उन्होंने डीएचए के लिए कहा कि इनको डीएचए आपको लगातार खिलाना पड़ेगा सुबह शाम के कैप्सूल। तो मैंने डीएचए खिलाया, एनर्जी ड्रिंक पिलाई। तो हम दोबारा से 15 दिन बाद डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने ये बोला कि आप इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गई, मतलब पैदल चल के आई हो अपने आप इतनी जल्दी, चक्कर वगैरह सब बंद। तो उससे मतलब इतना अच्छा लाभ मिला कि चक्कर भी जल्दी बंद हो गए और अब मेरी मम्मी जी बिल्कुल स्वस्थ हैं, और फिलहाल में डीएचए ही उनका लगातार चल रहा है। बहुत थैंक यू सर जी, आप। हाँ जी, मैं मैनपुरी रहने वाली हूँ, गोला बाजार। अच्छा जी, अच्छा जी हमारे सर में बहुत प्रॉब्लम थी, जी बहुत ज्यादा इतनी दिक्कत थी। मैंने सेफाई दिखाया, पूनम पाठक को दिखाया, रागनी हॉस्पिटल में दिखाया, पर मेरे सर का दर्द बंद नहीं होता था। मैंने अच्छा न्यूट्रीचार्ज डीएचए ली और मैंने न्यूट्रीचार्ज वुमेन ली और न्यूट्रीचार्ज भेज ओमेगा ली। मेरे अंदर बहुत बहुत ही कमियां थी और मैंने ये न्यूट्रिशन खाई, तब से मैं बहुत आराम में हूँ और बहुत ज्यादा है। मैं दूसरों को भी स्वस्थ करती हूँ इसी वजह से। जब मैं स्वस्थ हुई हूँ ना, तो मैं जी दूसरों को अपने बातों बातों में ही सेल कर देती हूँ। न्यूट्रीचार्ज से काम कर रही हूँ, हर चलिए प्रोडक्ट पे। चलिए, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आप स्वस्थ रहे और लोगों को स्वस्थ बनाए, यही हम पहासू टीम से बोल रही हूँ, कमलेश देवी। और मेरे जी। सर में दर्द रहता था, आंखों में दर्द रहता था, और जब से मैं डीएच खाया है ना, जब से मैं आराम है, मेरे को बहुत दर्द रहता था। मेरा नाम अलका, बेसिकली मैनपुरी से बिलोंग करती हूँ। सर मेरे सर में ना 3 बार ऑपरेशन हुआ था जब मैं छोटी थी। तो आरसीएम में आने के बाद में काफी माइंड लगाना पड़ रहा था, तो जब तक शाम होती थी तो काफी सर में दर्द रहता था। जिस दिन से आंखों में दर्द हुआ, सर में दर्द हुआ, तो फिर ऐसे न्यूट्रिशन की ट्रेनिंग लेते लेते पता चला कि न्यूट्रीचार्ज डीएचए माइंड के लिए और न्यूट्रीचार्ज व्यू आंखों के लिए। तो मैं कंटिन्यू मैंने लेना स्टार्ट किया। आज 4 मीटिंग हो, 10 मीटिंग हो, कभी माइंड में कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं बिल्कुल फिट हूँ। और आज न्यूट्रीचार्ज की देन है कि मैं जिंदा हूँ। थैंक यू सर। बहुत सभी को नमस्कार। नाम नरेश नागर है और बेसिकली ग्रेट नोएडा का रहने वाला हूँ। और पिछले 20 साल से मेरा खुद का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। उसी बिजनेस के साथ साथ ये बहुत प्यारा काम क्या है कि लोगों को बचाने का काम है। ये मुझे 18 महीने पहले मिला हमारी अपलाइन के द्वारा, और मैं 18 महीने पहले का बताऊं तो आपको, आज को और 18 महीने पहले को मेरी उम्र का 10 साल का डिफरेंस है। जब मैं ज्वाइन हुआ था उसके 2 महीने बाद ही मैंने अपना बॉडी स्कैनर खरीदा था, और उसी के बाद में मैंने अपना बॉडी स्कैन कराया था सबसे पहले। तो मेरी उम्र उसके मशीन के अकॉर्डिंग 60 साल चल रही थी, 60 साल। और रियली मेरी उम्र जो है आज 42 साल है। मैं 43वीं साल में कल से, पहली तारीख से ही चला हूँ। ये न्यूट्रिशन का कमाल मेरे अपना एग्जाम्पल बता रहा हूँ। और सबसे ज्यादा मैं आपको बताऊं, न्यूट्रीचार्ट डीएचए 200 गर्भवती कोई बहन है, बेटी है, माँ है, उसको उस समय से लेना चाहिए जैसे ही उसको गर्भधारण हो जाता है। शुरू कर देना चाहिए उसे एक न्यूट्रीचार्ट डीएचए, भले ही वो रात को सोते समय ले और या सुबह मॉर्निंग में ले, पर लेना एक जरूरी है जब तक अपनी डिलीवरी नहीं होती है। उसके बाद बच्चा दूध तब भी ले, और जैसे ही बच्चा 2 साल का हो जाए तो बच्चे को न्यूट्रीचार्ट ट्विस्ट एक पॉइंट रहता है उसका, उसको तोड़ के या तो किसी टुकड़े में या किसी दलिया में वो या किसी भी चीज में बच्चे को खिलाना शुरू कर दे 12 साल तक। न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्विस्ट अगर बच्चा 3 साल का है तो उसे एक ही रहने दे, बच्चा जैसे 4 साल का हो जाता है तो उसके 2 कर दे, जैसे बच्चा 6 साल का हो जाता है तो उसका 3 कर दे न्यूट्रीचार्ट डीएचए ट्विस्ट।